हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि आखिर आज का वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है और अब तक शेयर नहीं किया है तो जाइए फटाफट से वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आपने वो मिस किया तो आपसे आने वाला जो अपकमिंग वीडियो है वो मिस हो सकता है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूं। आप लोग भी मुझे ये कहते हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब मुझे अभी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे वीडियोस आप लोगों तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे आगे बढ़ाइए ताकि इन्फॉर्मेशन रुके नहीं, आगे ये बढ़ती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक ये है कि खबर बताने वाले न्यूज चैनल्स या फिर अखबार के जो ऑफिस होते हैं, क्या इनके अंदर कोई खबर नहीं होती है? क्या इनसे जुड़ी कोई खबर नहीं होती है? और अगर होती है तो हमें कहां पता चलेगी? और अगर बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब जैसे वैकेंसी आती है तो कैसे पता चलेगा कि इस चैनल में इस जॉब प्रोफाइल के लिए वैकेंसी आई है, उसके लिए आपको मैं आज यहां पर बताने वाली हूं कि आखिर आप कैसे जान पाएंगे कि कहां पर वैकेंसी है, कौन से ऑफिस में किसने नौकरी छोड़ी है और किसने कहां पर ज्वाइन किया है। ये सारी जानकारी आपको कहां पर मिलती है आज के वीडियो में आपको वही पता चलेगा। देखिए, भड़ास फॉर मीडिया ये एक साइट है जहां पर सब कुछ मीडिया जॉब से लेकर मीडिया की पोल खोलना, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या सैलरी कम होने की वजह से उन्होंने छोड़ किसी बंदे ने, सपोज एक्स वाई जेड कोई भी है, क्या सैलरी कम होने की वजह से किसने छोड़ा है, कौन सा आने वाला चैनल वो ज्वाइन करने वाले हैं। और जैसे कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ा पत्रकार है, सपोज कोई चैनल छोड़ता है तो उससे पहले ही वो खबर वहां पर आ जाती है। कई बार सैलरी का कुछ इश्यू होता है या फिर जैसे कोई चैनल बंद होने वाला है सैलरी इश्यूज के चलते, तो ये सारी जानकारी आपको भड़ास फॉर मीडिया पर मिल जाती है। तो अगर आप लोग भी एंकर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या फिर आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, तो इन सारी जानकारी के लिए भड़ास फॉर मीडिया को फॉलो करें। और आप नेट पर भड़ास फॉर मीडिया डालेंगे, पूरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, इसमें सब कुछ होता है, मीडिया के बारे में लगभग सारी खबरें आपको यहां पर मिल जाएंगी। और मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे वहां पर प्रॉपर सेगमेंट्स हैं, आप उसमें जाएंगे, आपको सारी जानकारी जॉब से जुड़ी हुई और साथ ही मीडिया के अंदर की जानकारी, जैसे आप किसी को फॉलो करते हैं, सपोज आप जैसे मैं चित्रा त्रिपाठी को फॉलो करती हूं, अब जब वो एबीपी में थी उसके बाद वो जब एबीपी छोड़कर आज तक ज्वाइन करने वाली थी तो ये खबर उन्होंने बाद में बताई, उनसे पहले ही भड़ास फॉर मीडिया पर यह खबर आ चुकी थी कि चित्रा त्रिपाठी ने छोड़ दिया है और अब वो आज तक ज्वाइन करने वाली है। तो इस तरह की सारी खबरें मीडिया के अंदर की, या फिर किसी चैनल में सैलरी का बहुत इश्यू चल रहा है तो उसकी खबर, किसी चैनल में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ मारपीट हुई है, तो वो मतलब ए टू जेड कुछ भी खबर अगर होती है किसी भी चैनल के अंदर या फिर किसी प्रिंट मीडिया के अंदर, उस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, तो सारी जानकारी आपको भड़ास फॉर मीडिया पर मिलती है। तो इस वजह से आप सब लोग जो भी पत्रकार हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं या फिर आने वाले वक्त में जो पत्रकार बनेंगे, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भड़ास फॉर मीडिया फॉलो करेंगे तो आप लोग पूरी तरह से मीडिया की खबरों से अपडेट रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया आपके लिंक्स। मैं हमेशा कहती हूं कि आपके लिंक्स इस फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। देखिए, अगर आपके लिंक्स अच्छे नहीं है तो आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमेशा अपने लिंक अच्छे बनाइए। और देखिए, मीडिया की खबरें भी आपको लिंक्स के माध्यम से ही पता चलती रहेंगी। जैसे कहीं पर जॉब आई, अब आपका कोई फ्रेंड अगर ओशल में है और उससे आपके लिंक हैं तो वो आपको बताएगा ना कि हाँ यहाँ पर एंकर की जॉब है, हाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है रिपोर्टर की या फिर जिसकी भी है। तो इस तरह से आपको जॉब के बारे में पता चलेगा और आप वहां पर अप्लाई कर सकें, क्योंकि इस फील्ड में बाकी ऐसा कुछ नहीं है, चैनल अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन क्या पता आप तक अपडेट ना पहुंचे। तो बाकी की इन सारी मीडिया की खबरों के लिए आप भड़ास फॉर मीडिया को फॉलो कर सकते हैं और यहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, ये मेरा सजेशन है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा अकाउंट है, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।